सीआर में हजारों दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 5 चोर गिरफ्तार। बाइक, स्कूटी, चाकू, कंप्यूटर के उपकरण व फर्जी कागज बरामद। गाजियाबाद के थाना खोड़ा पुलिस ने एनसीआर में हजारों दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे 14 बाइक, 1 स्कूटी, 3 चाकू, कंप्यूटर के उपकरण व भारी मात्रा में फर्जी कागज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम सोनू उर्फ कृष्णपाल, इमरान, राकेश कुमार, सलीम व नरसुहन नूर हसन है। अभियुक्त सुनसान जगह देखकर रेकी कर वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि एनसीआर में करीब हजारों वाहनों की चोरी की घटना को वह अंजाम दे चुके हैं। गाजियाबाद से योगेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। थाना पुलिस ने मतलब वाहन चोरों को पकड़ा है, क्या है पूरा? ये गाजियाबाद की हमारी जो खोड़ा थाने की पुलिस है वो विगत कई दिनों से एएसपी साहब हमारे सीओ इंद्रापुरम साहब के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी जो वाहन चोरों के विरुद्ध काम कर रही थी उनकी गिरफ्तारी के लिए। उसी क्रम में इस टीम को बड़ी सफलता मिली है और बीती रात्रि 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से मौके पर 5 वाहन बरामद किए गए जो कि चोरी के थे। उनकी निशानदेही पर 10 गाड़ियां और बरामद हुई, जिसमें एक स्कूटी भी है। और ये भी पता चला कि ये जो 15 गाड़ियां बरामद हुई हैं उनमें से 8 गाड़ियां अभी तक कनेक्ट हो चुकी हैं कि ये गाड़ी किस दिनांक को किस समय और किसकी उन्होंने चुराई थी। 7 गाड़ियां और हैं जिनकी हम तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। गहन पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इनके पास से जो ये इस्तेमाल करते थे भारी मात्रा में, इनके पास जो कि आपके समक्ष रखा हुआ है काफ़ी उपकरण बरामद हुए हैं, जिसमें कि नंबर प्लेट है, जिसमें कि कंप्यूटर है, CPU है, जिसके माध्यम से ये नकली दस्तावेज बनाते थे। कुछ मुहरें भी बरामद हुई हैं जो स्कूल की हैं या पंजीकरण संस्थाओं की हैं और प्रदूषण की हैं, जिनके माध्यम से ये कागजात बना करके लोगों को गुमराह करते थे और वो गाड़ियां जो चोरी की होती थी फर्जी कागजात बना करके उसको बेच दिया करते थे सस्ते दामों पर गाड़ियों को। इस गैंग में जो और भी लोग सम्मिलित हैं उनकी हम लोग और तहकीकात कर रहे हैं, शीघ्र ही इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे जो शेष हैं। इन पर गैंगस्टर एक्ट की भी हम लोग कार्रवाई कराएंगे, जो भी संपत्ति संबंधी अपराध उन लोगों ने किया है इसके संबंध में विधि संगत जो भी कठोरतम कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। पिछला अपराधी का इतिहास क्या है? ये आप देखिए प्रेस नोट भी हम लोगों ने पूरा लिख रखा है। इनके द्वारा करीब सैकड़ों गाड़ियां, करीब 200-300 गाड़ियां इनके द्वारा बेची जा चुकी हैं। ऐसे पूरे अंतर प्रांतीय गिरोह है ये, दिल्ली में भी काफी ज्यादा इन लोगों ने ऐसे अपराध कर रखे हैं। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों का हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे अभी। और जहाँ जहाँ से गाड़ियाँ इस गैंग में और भी लोग हैं, चूंकि अपराधियों का गैंग बनता रहता है तो उसी में जो भी लोग और सम्मिलित हैं उन सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो इसका मुखिया है सोनू, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जो कागजात बना रहा था राकेश, दोनों भी ये बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन चूंकि ये शात्राना दिमाग है इनका तो जिस भी काम में ये लग जाते हैं तो ये अपनी महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये 8वीं पास है सोनू, और राकेश जो कंप्यूटर का काम करता है ये 10वीं पास है। तो इसने बताया कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर का काम विगत कई सालों से कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ये काफी ज्यादा इन्होंने इसमें गुणवत्ता हासिल कर रखी है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।